हाय गाइस, इसमें लोग रन टाइम ऑपरेशन जब करते हैं तब मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वही अभी 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 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो देख पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑफ रन टाइम ऑपरेशन, इफ देयर इज अ चेंज इन द कंटेंट, देन विथ दो चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ओनली इन हीप एरिया बट नॉट इन SCP एरिया। इफ देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट, देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी रीयूज्ड एंड द न्यू ऑब्जेक्ट वॉन्ट बी क्रिएटेड। वेदर ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन हीप एरिया और SCP, द रूल इज सेम। ये स्टेटमेंट लिखा आपने, स्ट्रिंग ST इक्वल न्यू गिगी सोर्स। तो इस हम लोग जानते हैं कि इससे क्या होता है, इससे हीप एरिया और SCP एरिया दोनों में एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कंटेंट है गिगी सोर्स, इसको पॉइंट करेगा ST1। ठीक है, एक और आपने रन टाइम ऑपरेशन किया। रन टाइम ऑपरेशन आपने क्या किया हुआ है कि ST1.2 अपर केस, आपने यहाँ जो भी ST में है उसको आपने अपर केस में कन्वर्ट कर, आप कन्वर्ट करें, यानी कि इसको अपर केस बना रहे हैं। कि सोच अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, आप उसे कह रहे हैं कि ये कैपिटल लेटर में हो, और वह उसको रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ST2 है। ठीक है, यहाँ लोग कन्फ्यूज होते हैं इस स्टेटमेंट में। जब मैं इस चीज़ को बोलता हूँ तो लोग अक्सर मुझे सवाल करते हैं, क्या ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जब आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आपने कोई रन टाइम ऑपरेशन किया हुआ है, जब आप यहाँ रन टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप यहाँ जैसे कि हीप एरिया है, तो एक आपने यहाँ रन टाइम ऑपरेशन किया है तो हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस चेंज के साथ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ रन टाइम ऑपरेशन, इफ देर इज़ अ चेंज इन द कंटेंट, चेंज हो रहा है कंटेंट, चेंज हो रहा है, पहले स्मॉल में था अब ये कैपिटल में हो रहा है, देन विद दो चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, देन इस चेंज के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ओनली इन हीप एरिया बट नॉट इन SCP एरिया। ओके, सो हीप एरिया में कंटेंट चेंज के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसको पॉइंट करेगा S2। ठीक है, इस वक्त लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि आपने बताया था कि स्ट्रिंग अगर हम लोग लिखें इस तरीके से, स्ट्रिंग अगर आप लिखते हैं स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग एस है, ठीक है, एस या फिर ST2 भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपके रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पर अगर लिखते हैं गीकी सोर्स। ठीक है, मतलब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने रेफरेंस वेरिएबल को इससे, और इनिशियलाइज करते हैं तो मैंने बताया था कि सिर्फ SCP एरिया में ही ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन ये रन टाइम पर नहीं हो रहा है, इसको आपने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये डिक्लेयर, ये रन टाइम पर हो रहा है, ये रन टाइम ऑपरेशन है। ठीक है, ओके, सो रन टाइम ऑपरेशन जब भी होगा तब सिर्फ और सिर्फ हीप एरिया में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक नया ऑपरेशन किया जा रहा है रन टाइम पर ही, देखिए क्या, String 3 इक्वल ST1 टू लोअर केस, ST3 इक्वल ST1 टू लोअर केस, लोअर केस में ST1 में जो भी है, ST1 में क्या, ST1 में गिकी सोर्स स्मॉल लेटर में, टू लोअर, इसको स्मॉल लेटर में है, इसको लोअर केस करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो लोअर केस में पहले से ही है, अब क्या लोअर केस में होगा। तो इस केस में चूंकि कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो चेंज इन द कंटेंट देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इफ कंटेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ये है, यानी कि इसमें ये कंटेंट तो ये हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी रीयूज्ड एंड द न्यू ऑब्जेक्ट वॉन्ट बी क्रिएटेड, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाएगा इस रेफरेंस वेरिएबल के लिए, यानी कि ST3 भी इसको अब पॉइंट करेगा। ठीक है, ओके, सो यही मेमोरी मैनेजमेंट होता है रन टाइम ऑपरेशन पर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी रन टाइम ऑपरेशन होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप एरिया में। ठीक है, और अगर कोई चेंजेस होता है कंटेंट में तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और अगर कोई कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, बल्कि पहले से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है जिसमें कि कोई कंटेंट चेंज नहीं किया गया, यानी कि कोई भी हम लोग चेंज करना नहीं चाहते, जैसे कि यहाँ पहले से गीकी सोर्स है और हम लोग उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले से ही स्मॉल लेटर में, तो अब क्या होगा, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो ST को सिंपली इसी को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर मेमोरी वेस्ट होगा, और कंटेंट क्या होगा, कंटेंट तो सेम ही होना, इसलिए इसी सेम कंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय उसको पॉइंट कर दिया जाता है। क्लियर है, देन बस यही है रन टाइम ऑपरेशन पर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।